Yesterday we had started starting. I just briefed up what we are going to do in this chapter. Today we will be following the sequence of your NCERT book. After planning and organizing, the next step the management has to perform is staffing, right? So staffing kya hai? Aapne staff ko appoint karna hai. Simple way we need to. आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उतने पर्सन्स को अपॉइंट करना है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द राइट नंबर ऑफ पर्सन्स वी रिक्वायर. व्हेन यू एक्वायर देम फॉर व्हाट स्टाफिंग. Staffing is very much essential for every type of concerned student. हर concerned के लिए person को appoint करना और person ना ही कभी उसकी deficiency हो persons की और ना ही employees surplus में कभी हो. अगर surplus में है तो आपको उनको जो salary pay करनी है वो आपकी waste जाएगी. अगर shortage है तो आपकी production तक रुक सकती है. So at the right time, right number of persons you need to appoint. Simply, हमारे पास एक definition रहती है staffing की. It is a process of filling the vacant positions. आपकी organization में जो positions, जो job खाली पड़ी है, जहाँ पे काम करने के लिए बंदा हमें चाहिए, लेकिन अब हमारे पास नहीं है, उसे fill करना और keeping them filled forever. कभी भी कोई position को खाली नहीं रहने देना. अगर किसी की retirement हुई है या पुराना कोई staff member promote हुआ है तो उसकी जगह immediately आपने नए बंदे को hire कर लेना है. So this whole process is named as staffing. Now I am taking the points from your book. How he has defined it, right? आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने स्ट्रेटजीज फ्रेम आउट कर ली, आपने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना लिए इन योर प्लानिंग. यू जस्ट मेड अ लिस्ट दैट हाउ मेनी पर्सन्स यू आर इन द नीड ऑफ, उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी अंडर योर ऑर्गेनाइजिंग. नाउ द टाइम हैज कम, यू जस्ट हैव टू अपॉइंट द पर्सन्स सो दैट द वर्क कैन बी स्टार्टेड. अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसर्न है तो कभी कभार अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पुराना बंदा छोड़ के जाता है और उसकी पोजीशन अगर खाली होती है तो आपको इमीडिएटली उसकी जगह बंदे को हायर कर लेना है. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टाफिंग. तो आपकी बुक में मीनिंग वाले पैराग्राफ में यही लिखा है, इट इज अ प्रोसेस टू फिल द वेरियस पोजीशंस प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज पुटिंग द पीपल ऑन जॉब. ठीक, इट बिगिंस विद द वर्कफोर्स प्लानिंग. वर्कफोर्स प्लानिंग मीन्स पहले हम ये वर्कफोर्स प्लानिंग मीन्स पहले हम ये जज करेंगे कितने बंदों की जरूरत है, वो नंबर वाइज भी और क्वालिफिकेशन वाइज भी. उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. ठीक है, आप ऐसे थोड़ी ना ऐड दे दोगे, ऐड में आप बताओगे हाउ मेनी पर्सन यू आर इन नीड ऑफ. इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस. ये पूरे चैप्टर में कल मैंने बताया था, वी विल रीड अबाउट रिक्रूटमेंट, वी विल रीड अबाउट सेलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन मीन्स उन बंदों को सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कफोर्स. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स वी विल बी हैविंग द रैंकिंग. रैंकिंग चार्ट रहेगा, कौन सा बंदा कौन से लेवल पे स्टैंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग. पहले बंदों को ऑब्टेन करना, देन यूटिलाइजिंग, उनको अच्छे तरह से यूटिलाइज करना मीन्स उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना, मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स. आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बार अगर किसी पर्सन को हायर कर लेती है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आपने मेंटेन करके रखना है कि वो बहुत जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए. यू जस्ट हैव टू रिटेन हिम और हर. ठीक है, स्टाफिंग के बारे में हम लोग आमतौर पर एक लाइन कोट करते हैं, मेक इट श्योर दैट वेन इन द इवनिंग यूर employees leave your organization, they should come again in the next morning to you. कि अगर शाम को आपके employees आपके organization में से काम करके निकले हैं तो इस बात की श्योरिटी जरूर रखो कि वो सुबह दोबारा आपकी जॉब पे ही आए, कहीं आपकी जॉब वो छोड़ ना जाए. So that function is also to be performed under what? Staffing. फिर मेरे वाली definition है अगला paragraph में, staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the positions in the organization structure. तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है आपको कितने बंदों की जरूरत है.
फिर आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है, फिर एडवर्टाइजमेंट में आप डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करोगे, इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, फिर कहीं जाके फाइनली आप पर्सन को क्या करोगे, हायर करोगे। सो वी हैव नेक्स्ट इन आवर बुक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। Why do we need staffing? You just imagine if you are not performing your staffing function, will you be in a position to hire the qualified persons, deserving candidate, caliber wala candidate aap hire kar sakoge ke nahi? First, it helps in discovering and obtaining competent, maine abhi bola caliber wala banda hire karna hai, competent person aapne hire karna hai for the various job. So due to staffing, you will be obtaining those persons who are really deserving. You will always be selecting the best candidate out of the applicants. So in that way, staffing helps our organization a lot. Staffing makes for higher performance by putting right person on the right job. हम पहले वर्कफोर्स प्लानिंग करते हैं, हम पहले ये जज करते हैं कि मेरे को किस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए, वो हम एड में क्वालिफिकेशन पब्लिश करवाते हैं, तो हमारे पास उसी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स की तरफ से एप्लीकेशंस आती हैं, देन बाय कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, बाय कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, वी जस्ट सेलेक्ट द राइट पर्सन एंड वी अपॉइंट दैट पर्सन ऑन दैट राइट जॉब. एनश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजर. ठीक है, अगर आपको लगता है कि जनरल मैनेजर आपका रिटायर होने वाला है तो आप असिस्टेंट मैनेजर को उसके अंडर ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हो. सो ड्यू टू स्टाफिंग योर ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यूसली सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर मैनेजर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने सीनियर मैनेजर के साथ जूनियर्स को अटैच कर देते हो ताकि वो धीरे धीरे काम करना सीख जाए. जब मेरा सीनियर मैनेजर रिटायर होगा तो डेफिनेटली जूनियर को उसकी पोस्ट पे मेरे को लेके जाना है. सो प्रमोशन एटसेट्रा वी विल आल्सो रीड इन दिस चैप्टर. देन इट हेल्प्स टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है हम उसे वही काम देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज एमबीए इन मार्केटिंग सो ही इज टू बी मेड द इंचार्ज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. वन पर्सन इज एमबीए इन फाइनेंस सो ही इज टू बी मेड द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंसर्न. So as per your calibers, as per your degrees, as per your diplomas, as per your academic records, as per your expertise knowledge, the jobs are being allocated to the persons. In that way, staffing ensures the optimum utilization of human resources. Once you are allocating the job as per their interest, as per their experience, as per their academic records, they will feel satisfied with the job. बिकॉज काम उनके इंटरेस्ट का है, ये सारा कुछ इन्होंने पहले किया हुआ है या अपने स्कूल या कॉलेज में सीखा हुआ है. सो ड्यू टू स्टाफिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन विल बी देयर, मोरेल ऑफ द एम्प्लॉइज गेट बूस्टेड अप, दे विल नेवर थिंक टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज गोइंग टू बी द बेनिफिट, दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस. सो वी हैव 5 points. उसके बाद दिस अबाउट दिस टॉपिक आई विल सी योर सिलेबस, इज इट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और नॉट, दैट इज स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, दैट वी विल सी फ्रॉम आवर सिलेबस. सो वी आर लीविंग दीज 2 pages. Evolution of HRM, ये भी छोड़ दीजिए, हम सीधा staffing process पे आएंगे. Yesterday also I told you that in this chapter we are going to read 2 types of processes. One is staffing process and other is selection process. Selection is a narrow term which is one of the step of staffing, and staffing in itself is a wider term. So सबसे पहले in staffing what we have to do, estimating the manpower requirement. Staffing process. First step is estimating manpower requirement. ठीक है जी, सबसे पहले ये अंदाजा लगाओ कि आपको कितने बंदों की जरूरत है. एंड फॉर दिस पर्पस यू जस्ट आस्क फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स कि आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए कितने बंदों की जरूरत है. परचेस मैनेजर से पूछा, सेल्स मैनेजर से पूछा, मार्केटिंग मैनेजर से पूछा, आपको किस एक्सपर्टाइज नॉलेज का बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए आप अपनी क्या डिमांड रखते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, सो यू आर अवेयर दैट वाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है, वी अंडरटेक एन एनालिसिस ऑफ डिसीजन and decision making levels of activities. Various job positions are created, like kuch bande mere ko middle level mein chahiye, kuch low level mein chahiye, kuch top management mein chahiye. So how many persons we are in need of, unki qualification, unki skill, unka experience, aapne sab ki ek list banani hai.
गिवन दैट वी नीड टू एनकरेज विमेन कितने होंगे, मेन कितने मेरे को चाहिए होंगे, और वाइल डिसाइडिंग दिस यू कैन इवन हायर द पर्सन फ्रॉम द बैकवर्ड एरियाज. कुछ सीट्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व रख सकते हो फॉर स्पेशल पर्सन, फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन, फॉर द पर्सन हु आर हैविंग द हियरिंग इम्पेयरमेंट एटसेट्रा. सो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड इफ द नीड बी टू रीडिफाइन मैन पावर रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंगली. कैन यू थिंक वाई शुड वी एनकरेज सच अ डिवर्सिटी इन द वर्कफोर्स? वर्कफोर्स में ऐसी डाइवर्सिटी क्यों होनी चाहिए? ताकि हम लोग अपनी सोसाइटी के हर कम्युनिटी को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. यस, इसी पॉइंट में यू विल लर्न अबाउट टू न्यू वर्ड्स. वन इज अभी करवाया था वर्कफोर्स प्लानिंग, अब वो कहता है वर्कफोर्स एनालिसिस, एंड अनदर इज वर्कलोड एनालिसिस. वो था रिलेटेड टू ईच अदर. वर्कलोड का मतलब है आपने क्या क्या काम करवाना है, ठीक है, दैट इज वर्कलोड. वर्कफोर्स का मतलब है आपको कितने बंदे चाहिए होंगे उस काम को करवाने के लिए. तो फर्स्टली यू विल बी मेकिंग अ वर्कलोड एनालिसिस एंड देन यू विल बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस वुड अनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कहता अगर आप वर्कलोड एनालिसिस कर लेते हो ना, तो आपको ये पता चल जाता है कितने बंदे मेरे को चाहिए होंगे. Workforce analysis would reveal the number and the type available. In fact, such an exercise would reveal whether we are understaffed, overstaffed, or optimally staffed. जब आप workforce analysis करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या मेरे पास कम बंदे हैं, ज्यादा बंदे हैं, या जितने चाहिए थे उतने ही हैं. It may be pointed out that neither overstaffing nor understaffing is a desirable situation. ठीक है, हमें दोनों situations को क्या करना है, avoid करना है. Because a situation of overstaffing would necessitate the starting of recruitment process. अगर understaffing है तो आप और बंदे hire करो, अगर overstaffing है तो आपके resources क्या हो रहे हैं, waste हो रहे हैं. So आपने यहाँ पे workload analysis में आपको पता चलेगा number and type of human resources हमें कितने चाहिए, और workforce analysis में आप देखोगे क्या आपकी organization में उतने बंदे हैं जितने आपको चाहिए थे. ठीक है, इज इट अंडरस्टाफ्ड और ओवरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड? सो दिस इज टू बी चेक अंडर योर वर्कफोर्स एनालिसिस. नाउ हाँ, कुछ बच्चे स्टेप्स इसके प्रोसेस के ऐसे हैं जिनका अलग से एक टॉपिक भी है. सो एज ही इज गोइंग टू द सेकेंड स्टेप रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट का फुल फ्लेज्ड टॉपिक कुछ पेजेस छोड़ के हमारे सिलेबस में है, तो हम वो सारा टॉपिक इकट्ठा करेंगे. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, मैं कल भी बता के गई थी, इट इज बीइंग कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस. व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस? बिकॉज हियर बाय द डिग्री ऑफ रिजेक्शन इज मोर. और रिक्रूटमेंट होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू इंस्टिगेट द पर्सन फॉर अप्लाइंग द वेकेंट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स यहाँ पे हम उन बंदों को बताते हैं जिनको जॉब चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब खाली है, आप प्लीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो. सो इट इज अ सर्चिंग प्रोसेस विच विल हेल्प टू फिल आर वेकेंट पोजीशंस ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट प्रोसेस वी कॉल रिक्रूटमेंट, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजीशन. उन्हें बताना, उन्हें प्रेशराइज करना, उन्हें फोर्स करना, उन्हें इन्फॉर्म करना इवन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस खाली है, पोजीशन वेकेंट है, यू कैन कम एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट. आप इसके लिए आपको एड देनी पड़ेगी, वो प्रिंट मीडिया में हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकती है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एवेन्यूज अवेलेबल टू द फर्म विच वुड बी डिस्कस्ड लेटर. हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे सिलेबस में है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड external source of recruitment. So you just come at page number 156 whereby he has mentioned the full-fledged recruitment process. Recruitment ke sources aur uska meaning usne yahan pe bataya hua hai. So again he is repeating, it is a process of finding the possible candidate for a job or for a function. So it is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job. Advertisement is the most commonly way with the help of which you are informing the public that which situations are vacant in your organization. बहुत बार आपने ट्रिब्यून में भी, वीक एक डे में ट्रिब्यून में भी ऐड आती है सिचुएशन वेकेंट.
तो वहां पे जॉब्स के बारे में डिटेल लिखी होती है, कितने साल एज होनी चाहिए, कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने नंबर ऑफ पर्सन इस कंपनी को चाहिए, क्या सैलरी पैकेज होगा. सो लाइक दैट वे यू विल ऑल्सो बी पब्लिशिंग योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज पेपर. राइट, नाउ कम टू द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. हाउ कैन यू रिक्रूट द पर्सन फॉर योर वेकेंट पोजिशंस. Internal source of recruitment and external source of recruitment. Let's go with this. Sources of recruitment. Sources of recruitment. इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही आपको बंदे मिल जाएंगे अपनी खाली पोजीशंस को फिल करने के लिए. वी हैव टू सोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल फर्स्ट है ट्रांसफर्स. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, किसी एक ब्रांच में पर्सन्स ज्यादा हैं और दूसरे में क्या है कम है, तो जिधर ज्यादा है आप वहां से बंदे उठाओगे, उस ब्रांच में से उठाओगे और दूसरी ब्रांच को भेजोगे वेयर इट इज अंडरस्टाफ्ड. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट क्या है ब्रांचेस हैं, किसी एक ब्रांच का बंदा दूसरी ब्रांच में जब भेजा जाता है तो ना तो वहां पे सैलरी पैकेज बढ़ता है, ना उसकी पोजीशन पे कोई फर्क पड़ता है, सिर्फ उसका सराउंडिंग्स चेंज हो गई. पहले वो फॉर एग्जाम्पल SBI की JP नगर ब्रांच में था, अब GDP की ब्रांच में चला गया, रहा वो आज भी असिस्टेंट मैनेजर ही, सिर्फ उसकी सराउंडिंग्स चेंज हो गई, उसका बॉस चेंज हो गया, उसके कुलीग्स चेंज हो गए, लेकिन ट्रांसफर के कारण ना तो सैलरी पैकेज में कोई फर्क पड़ता है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती या कम होती है. ठीक है, सो दिस यू विल बी यूजिंग अंडरस्टाफिंग. एंड ही सेज अंडरस्टाफिंग देयर इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट. हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग लाइन में शिफ्ट होगी. ये नहीं है कि आप अपर पोर्शन से लोअर में आओगे तो आपकी डिमोशन हो रही है, या लोअर से आप अपर पोजीशन पे जा रहे हो तो आपकी प्रमोशन हो रही है. ट्रांसफर के कारण कोई भी प्रमोशन नहीं होती. सो शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सोनल इन वन ब्रांच मे बी फिल्ड थ्रू द ट्रांसफर फ्रॉम अनदर ब्रांच और डिपार्टमेंट. जॉब ट्रांसफर्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन and in removing individual problems and grievances. For example, अगर किसी आपके employee को कोई complaint है, तो उस complaint को settle करने के लिए आप उसे बोलते हो, no need to worry, we will be shifting you from one department to another. So it is only the shifting. There will be no change in the salary package, right? There will be no change in the responsibilities and duties. आपका सिर्फ वर्क कल्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. आपकी सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. इट इज नॉट अ प्रमोशन, नो प्रमोशन. ड्यूटीज भी सेम रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम रही, आपका बॉस चेंज हो गया, आपके कुलीग्स चेंज हो गए. ठीक है, और जब कभी भी एक में शॉर्टेज है और दूसरे में सरप्लस में स्टाफ है, यू कैन यूज दिस ट्रांसफर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट, ये तो मैं साथ साथ बताती रही हूँ आपको. प्रमोशन, सो वेन द हायर रैंक पर्सन गेट्स रिटायरमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है, तो उसकी जगह पे हम लोग लोअर लेवल के बंदे को अपर लेवल पे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं. तो इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट. ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, ये वर्टिकल शिफ्ट है. वेन लोअर रैंक पर्सन कम्स टू द अपर रैंक, तो यहाँ पे सैलरी का पैकेज भी बढ़ेगा, आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी. हो सकता है आपको अलग से कैबिन मिले प्रमोशन के कारण, हो सकता है कि आपको कंपनी गाड़ी की फैसिलिटी दे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे, जो गाड़ी आपको ड्राइवर के साथ मिले कंपनी की तरफ से, वो आपको घर छोड़ के आए, सुबह आपको घर से पिक करे, तो कुछ इस तरह की अलग से अमेनिटीज और फैसिलिटीज मिल जाती हैं व्हेन अ पर्सन गेट प्रमोशन. सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है, दूसरों के लिए एक तरह का इंस्पिरेशन भी होता है. अगर मिस्टर ए की प्रमोशन हो गई है तो वाई नॉट आर्स. ठीक है, हम भी अगर और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो हमारी भी प्रमोशन की पॉसिबिलिटी है. एक और होता है, वो मैं कल लिखवाऊंगी किसी दूसरी बुक में से देख के, दैट इज लेऑफ्स. ठीक है, आपकी बुक में नहीं है. लेऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है कि घाटे में जा रही है, तो इतने सारे एम्प्लॉयज लाइक कोविड के दौरान
ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हमारा बिजनेस ट्रैक पे नहीं है। तो जब आप अपने कुछ पुराने एम्प्लॉयज को निकाल देते हो, ठीक है, और कहते हो विद दिस प्रॉमिस कि अगर कल को फिर से मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाएगा तो हम पहले आपको मौका देंगे, आपको बताएंगे, आपको दोबारा भी हायर किया जा सकता है। सो वेन एवर यू आर जस्ट आस्किंग फ्यू ऑफ योर एम्प्लॉयज टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उनको एक या दो महीने की सैलरी दे के निकालते हो भाई, ताकि उतने दिनों में वो अगली किसी जॉब के लिए अपना अरेंजमेंट कर सके और उनका जो घर का गुजारा है, लिवलीहुड का सोर्स है, वो थोड़ा बहुत चलता रहे। सो लाइक दैट वे इट इज अ ले ऑफ, ठीक। और ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्यों है, क्योंकि यू जस्ट प्रॉमिस विद देम कि वेन एवर वी विल बी ऑन द सेम ट्रैक, जब हमारा बिजनेस दोबारा से पेस पकड़ लेगा तो हम दोबारा से आप ही को पहले हायर करेंगे, आपको पहले चांस दिया जाएगा। सो दीज आर द थ्री सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। नाउ वी हैव मैरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, जब आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बंदों को या तो ट्रांसफर करते हो या प्रमोशन करते हो या फिर ये ले ऑफ का क्राइटेरिया यूज करते हो, तो उसके हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, उनको लगता है कि जो भी प्रमोशन होगी हम में से ही होगी, बाहर से कंपनी बंदा हायर नहीं करेगी। दे विल गेट मोटिवेटेड, दे विल बी पुटिंग देयर सिंसियर एंड बेस्ट एफर्ट, सो विद दिस देयर मॉरल विल गेट बूस्टेड एंड वी विल डेफिनेटली बी गेटिंग यू कैन से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आर एम्प्लॉयज। इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई एड वगैरह नहीं देनी। आपने अपने विद इन भी बंदों को क्या करना है, अपर पोजीशन पे लेके जाना है या उनकी ट्रांसफर करनी है किसी एक ब्रांच से निकाल के दूसरी ब्रांच में, तो इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स जॉब, इजिली आप इसको चला सकते हो। ट्रांसफर इज अ टूल, अब एक ट्रांसफर का अलग से बेनिफिट दिया है, ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। Also, the people recruited within the organization do not need induction training. अगर आप कोई बंदा बाहर से हायर करते हो तो आपको induction means आपको अपनी organization में उसे induce करवाना होता है, उसे introductory training देनी होती है, उसको अपनी organization की हर चीज के बारे में बताना होता है। लेकिन अगर आप अपने पुराने बंदों को ही या तो ट्रांसफर में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो या उनकी प्रमोशन करते हो, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी familiar with your system। यही बंदा अगर बाहर से हायर करते, एक्सटर्नल सोर्स से हायर करते, तो बहुत दिन हमारे ट्रेनिंग में लग जाते, बहुत पैसा भी लग जाता उन्हें ट्रेन करने को। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर, ट्रांसफर नहीं है ये टूल, यहाँ पे प्रमोशन लिखना, थर्ड के फर्स्ट वर्ड को प्रमोशन करो, ठीक है। प्रमोशन इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर द हायर जॉब। और ट्रांसफर क्या है, शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोस वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, तो ये भी फायदा है हमारा किसका, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, जिसमें स्पेसिफिकली उसने ट्रांसफर की बात करी। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज अ चीपर एज कम्पेयर टू गेटिंग अ कैंडिडेट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि वहां पे एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट करनी पड़ती है, इंटरव्यू से पहले बहुत तरह के टेस्ट रखे जाते हैं, टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, फिर फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में हम आते हैं एप्लीकेंट्स के, फिर उन्हें कहीं जाके जॉब लेटर दिया जाता है, जॉब लेटर देने के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाता है कि इस दिन आप ज्वाइन करना आके, और फिर कुछ दिनों की 15-20 दिन की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, देन ओनली दे गेट देमसेल्फ एडजस्टेड इन द न्यू वर्क कल्चर। लेकिन इंटरनल सोर्स में ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर माई ओल्ड एम्प्लॉयज, ठीक है, दे ऑलरेडी आर फेमिलियर विद द सिस्टम ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट बिकम्स द मैरिट ऑफ दिस सिस्टम। लिमिटेशंस, एज एवरी कॉइन हैज टू साइड, सेम इज विद व्हाट आर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं भाई, व्हेन द वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस एंड स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड, मींस फ्रेश ब्लड यू विल नॉट बी एबल टू इनवाइट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पुराने बंदे एजेड हैं पर्सन्स, उनमें उतना कोई काम करने की एनर्जी भी नहीं है, दे आर नॉट एंथुसियास्टिक, ठीक है, दे यूजुअली रिसिस्ट टू लर्न द न्यू टेक्निक्स और न्यू सिस्टम, इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू गेट द फ्रेश टैलेंट फ्रॉम द मार्केट। द एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक, क्योंकि उनके मन में डर नहीं है, उनको यही पता है कि हमारे को ही ऊपर प्रमोशन मिलनी है, हम जैसा मर्जी काम करें,
once they will be having this idea in their mind, if we will not be suitable for the higher job, so our company may take the persons from outside. लेकिन उनके मन में ऐसा कोई डर नहीं है, उन्हें पता है कि पहले भी promotion within the organization हुई है, अब हमारी turn है तो हमें ही आगे promote किया जाएगा. And yes, if your organization is an old organization, then only you can use this internal source of recruitment. Right? अगर आपकी organization ही इसी साल खुली है तो आपने बंदे कहाँ से पुराने लेके आने हैं? तो उस केस में for a newly established concern, internal source of recruitment will never work. The spirit of competition among the employees may be hampered. Competition होना ही नहीं है because they are being promoted, they are being transferred from one place to another, from one position to the higher position. Frequent transfer, जब आप एक department से दूसरे department में बंदे को भेजते हो, चाहे सब कुछ सेम रहा है, कंपनी सेम है, बट इवन देन आपको नई जगह में एडजस्ट होने में 3-4-5-7 दिन तो लगेंगे ना. ठीक है ना, 1 week यू मे टेक टू गेट योरसेल्फ एडजस्टेड इन द न्यू सराउंडिंग्स, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन और वर्क थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है. ठीक है, विद इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वी हैव फ्यू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज वेल. फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. आपने कई बार देखा होगा आते जाते कई दुकानों के बाहर लिखा है दुकान में काम करने के लिए लड़के और लड़कियों की जरूरत है. एंड समटाइम्स व्हेन यू विजिट फ्रॉम सम फैक्ट्री, तो डेली सुबह 9 बजे के आसपास उस फैक्ट्री के बाहर बहुत सारा रश होता है और फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा होता है रिक्वायरमेंट्स का. लाइक 5 मेरे को डेली वेज अर्नर्स चाहिए, 2 मेरे को मैकेनिक चाहिए फॉर दिस डे ओनली. ठीक है, तो उनका फोरमैन बाहर आता है, जो बंदे वेट कर रहे होते हैं वो उनमें से कुछ बंदों को ले जाता है अंदर और वो बंदे दिहाड़ी पे काम करते हैं. इवनिंग में उन्हें उनकी मेहनत का जो भी पे करना होता है वो दे दिया जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द फैक्ट्री गेट. वी नेवर कंडक्ट एनी इंटरव्यू, वी नेवर पब्लिश एनी एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टू फिल सच टाइप ऑफ जॉब्स. और ऐसी जॉब्स खाली क्यों हुई होती हैं? या तो उनका परमानेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे गया होता है या उनका प्रोडक्शन बढ़ गई है क्योंकि डिमांड मार्केट में ज्यादा है उनके प्रोडक्ट की, तो उस बढ़ी हुई प्रोडक्शन को कॉप अप करने के लिए दे नीड मोर पर्सन्स. सो फॉर दैट पर्पस दे विल बी हायरिंग द पर्सन्स हूएवर दे आर वेटिंग आउटसाइड देयर फैक्ट्री. Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of an enterprise specifying the details of the job available. उस बोर्ड पे लिखा होता है कि आज कौन सी जॉब्स के लिए हमें बंदे चाहिए. जिनको जॉब चाहिए होती है वो उस premises के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं. On the spot उनकी भर्ती होती है. एक दिन के लिए उन्हें सिर्फ हायर किया जाता है, शाम को उनको पेमेंट करके भेज दिया जाता है. क्योंकि ये जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली नहीं होती, इसके लिए हमें या अनस्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं या सेमी स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं. सच पर्सन और वर्कर्स आर ऑल्सो नोन एज कैशुअल और बदली, क्योंकि ये डेली बदल दिए जाते हैं इसलिए बदली भी बोला जाता है या कैशुअल है क्योंकि टेम्परेरी पर्पज के लिए आप इन्हें हायर करते हो, डेली इन्हें वेजेस पे कर देते हो. दिस मैथड इज वेरी इनएक्सपेंसिव मीन्स वेरी चीप, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा बच जाता है. It is suitable for filling casual vacancy when there is a rush of work. मैंने बोला जब आपका काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, आपको ज्यादा बंदों की जरूरत है क्योंकि आपको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल मिला हुआ है जिसे आपको 15 दिन में ही कम्प्लीट करना है. सो यू नीड मोर वर्क फोर्स. सो सच रिक्वायर्ड वर्क फोर्स यू कैन हायर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. दिस इज वॉट वी कॉल फर्स्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि बाहर से बंदे हायर किए गए हैं. कैशुअल कॉलर्स. कई बार क्या होता है, फिर से मैं एग्जांपल वही दे रही हूँ, आपका कोई परमानेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे, तो उस केस में क्या होता है, अब आप इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं करना चाहते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास लोग ऐसे ही अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करवा गए होते हैं, तो आप पुराने एप्लीकेशन और उनके रिज्यूमे उठाते हो और उसमें से आप अपना रिक्वायर्ड पर्सन ढूंढने की कोशिश करते हो. टेलीफोनिकली या मेल सेंड करके आप उसे इन्फॉर्म करते हो, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द जॉब फॉर दी 6 मंथ बिकॉज हमारा परमानेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे है. तो फॉर कैजुअल पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन यू हायर द पर्संस बट नॉट ऑन परमानेंट बेसिस, दैट रिक्रूटमेंट वी कॉल कैजुअल. और ये किस में से ढूंढा आपने?
वो बंदे जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कोई जॉब नहीं निकाली थी, आपने कोई एड नहीं निकाली थी, वैसे ही लोगों ने आपकी जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, उन एप्लीकेशंस का डाटा आपके पास रहता है, आप उसमें से स्क्रूटिनाइज करते हो और पर्सन को टेलीफोनिकली और मेल सेंड करके इन्फॉर्म करते हो, इफ दे आर एनी ऑफ देम इज रेडी टू ज्वाइन द जॉब तो आप उसे जॉब ज्वाइन करवा लेते हो. दिस इज व्हाट वी कॉल कैजुअल कॉलर्स. आपके पास पहले से जॉब सीकर्स की क्या होती है, एक लिस्ट होती है, आप उनकी स्क्रीनिंग करते हो. द मेजर मेरिट ऑफ दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज. तो भाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं देनी पड़ती, टेस्ट नहीं कंडक्ट करने पड़ते, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज आर द फर्स्ट टू मैथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वी हैव 10 मैथड्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू टुमारो. नाउ यू हैव 6th पीरियड ऑफ accountancy.